अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। सबसे पहले तो जी आपको रमज़ान मुबारक और रमज़ान की खुशियां मुबारक, रमज़ान की आमद मुबारक। और दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में तमाम रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। जी मैं अपना तारुफ आज करवा रहा हूँ। जी मैं न्यू अली इलेक्ट्रॉनिक्स उम्मे अरम के सपोर्टर जी बोल रहा हूँ। और हमारे पास मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बड़ी वाइड रेंज होती है हमारे पास न्यू अली इलेक्ट्रॉनिक्स FSD के वेब पेज पे भी हमारा पेज भी है और हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, आप चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको वेस्ट पॉइंट के बेकिंग ओवन का डेमो देने आया हूँ जी, जेन्युइन डेमो इंशाल्लाह। और होपफुली कि आप इसको जो है ना इंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जी। तो जी मैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि इसको बॉक्स से थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जी मॉडल नंबर है WF4200RKF, ये इसका कंपनी का मॉडल नंबर है और ये वेस्ट पॉइंट लोगो का है, वेस्ट पॉइंट ब्रांड है जी। और इसकी 2 ईयर की नेशन वाइड पाकिस्तान के अंदर वारंटी है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें फंक्शन नज़र आ रहे हैं कि आप इसमें रोस्ट भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं और ग्रिल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा ये लिखा हुआ है विथ फिश ग्रिल, ये फंक्शन मैं आपको बिटवीन बताऊंगा कि ये फंक्शन बहुत कम बेकिंग ओवंस के अंदर होता है। अब मैं उसके थोड़ी सारी डिटेल डेमो दे देता हूँ। कस्टमर आस्क करता है हमेशा कि इसके वॉट कितने हैं, क्या वॉट हैं, क्या कंजप्शन लेगा। ये 1380 वॉट लेता है जी अपनी कंजप्शन। ये वॉट तभी लेता है जब ये ऑन होता है। इसमें ऑटो ट्रिपिंग फंक्शन होता है, जैसे ऑटो ट्रिपिंग अगर आपका टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ पर रिक्वायर्ड है तो ये ट्रिप कर जाता है, तो उस पर 1380 वॉट की इस पर जो है ना फैसिलिटी होती है। प्लस इसमें जो फंक्शंस है विद रोस्टरी फंक्शन फॉर ग्रिलिंग फुल चिकन, यानी आप इसमें पूरा का पूरा चिकन भी रोस्ट कर सकते हैं। विद कबाब BBQ फंक्शन फॉर मेकिंग कबाब्स, हॉट डॉग्स एंड ग्रिल क्यूब मीट, यानी ये चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। आइडियल फॉर ग्रिलिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग एंड बेकिंग। एडिशनल फ़िश ग्रिल इंक्लूडेड, ये चीज़ लिखी हुई है फ़िश ग्रिल, ये बहुत कम ओवंस में साथ आती है, ये स्पेशल मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर आती हैं जी। आप बॉक्स का रिव्यू ले चुके हैं, ये सामने देखें आपको ये बारबेक्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। साइड पे आपको इसका चरगा नज़र आ रहा होगा और ये फ्रंट पे भी इन्होंने चरगा ही दिखाया हुआ है और साथ फ़िश दिखाई हुई है, ठीक है जी। अब आपको मैं इसका अनबॉक्सिंग अनबॉक्स कर चुके हैं तो मैं इसको आपको अब आपको लाइव दिखाता हूँ कि हाउ इट इज़ लुक जी। ये मैं जी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, मैंने इस ओवन को खोल दिया है और ये आपका वेस्ट पॉइंट का बेकिंग ओवन है। आप देखें कि कितना खूबसूरत बना हुआ है, इसकी टैप्स कितनी खूबसूरत है। अच्छा, मैं टैप्स से सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इन 3 टैप्स का क्या फंक्शन है। अच्छा जी, ये आपका सबसे पहले टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिग्री जो रिक्वायर होता है, इसको आप 100 डिग्री से लेके 250 डिग्री तक सेट कर सकते हैं इजीली किसी भी मोड पे। इसी तरह नीचे आप देखें तो इसके 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हैं, ये रॉड्स के होते हैं। हर बेकिंग ओवन में नीचे रॉड होते हैं और ऊपर भी रॉड होते हैं, ठीक है जी। नीचे के रॉडों की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी ऊपर की। आप इसमें ओवन में नीचे का रॉड भी चला सकते हैं, ऊपर का भी चला सकते हैं और दोनों साइड्स को भी चला सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर का रॉड और रोस्टरी फंक्शन भी चला सकते हैं, नीचे का रॉड और रोस्टरी फंक्शन भी चला सकते हैं और दोनों रॉड्स और रोस्टरी फंक्शन भी चला सकते हैं। यानी इसके अंदर 6 डिफरेंट ऑप्शन है और ये बड़े कम बेकिंग ओवंस में होती हैं, ये अच्छे तरीन बेकिंग ओवंस में होती है। नीचे आपका टाइमर है, टाइमर आप 1 मिनट से लेके 60 मिनट तक का लगा सकते हो और ये ऑटो है, ये खुद ब खुद वापस आ जाता है और बेल बज जाती है। अब आप इसके साथ एक्सेसरीज बहुत सारी हैं वो आप देख लें जी। इसकी बेसिक 2 ट्रेज हैं, ये इसकी ग्रिल ट्रे है, ठीक है जी। कोई भी चीज़ आपने ग्रिल करनी है आप इसके ऊपर रख लें या आप इसके ऊपर अपना पिज़्ज़ा रख लें, इसको आप खोलें। इसकी 3 शेल्फ हैं, आप इसको इस जगह पे भी रख सकते हो, फर्स्ट वाली पे भी, सेकंड वाली पे भी रख सकते हो और थर्ड वाली पे भी रख सकते हो, तीनों ऑप्शन है। इसका इनर ग्रूव साइज़ तकरीबन 12 इंच है, 12 इंच की प्रोडक्ट या पूरा एक चरगा इसमें ईजीली जो है पुट हो जाता है, ठीक है जी। इसके साथ समटाइम्स ये भी होता है कि गेस्ट आ गए हैं तो आप 2 चीज़ें भी बना सकते हैं। आप ये ट्रे को भी सेट कर सकते हैं, ग्रिलिंग को, ग्रिलिंग ट्रे, और नीचे आप अपना बेसिक ट्रे में प्रोडक्ट कुक करके भी रख सकते हैं। अगर फासला ज़्यादा करना हो तो आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं ताकि आपकी ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट एट ए टाइम बन जाए, ठीक है जी।
ये दो इसकी बेसिक ट्रे हैं। ये फंक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट फंक्शंस पे लेके जाता हूँ। अच्छा जी, ये इसके अंदर साथ ये दो प्लेट्स आती हैं। पॉजिटिव वर्क ये बड़ा इजी है कि आपका एक ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड आप लें, इस रॉड को आप इजीली, ये देखें आप सिंपल जी, ये इस साइड से निकला है, ठीक है, आपने सिंपल लिया और स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दिया, थोड़ा सा फासला यहाँ से एक इंच का छोड़ के स्क्रू को आपने जितना टाइट कर सकते हैं इसको घुमाएं। जब थोड़ा सा देर में आप घुमाएंगे, ये देखें तो ये अब फुल टाइट हो चुका है, अब ये नहीं हिल रहा, ठीक है जी। इसी तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने कोई चरगा वगैरह पुट करना है, ठीक है जी, ये सॉरी ये आप स्टिक्स वगैरह जब पुट करनी है, आपने जब ग्रिलिंग करनी है उसके लिए बता रहा हूँ, ये जब आपने बारबेक्यू करना है, इसी तरह ये रॉड भी बना हुआ है, इसको आप लगा लें इस साइड से और आप इसको लूज़ ही रहने दें, अभी इसको फिक्स मत करें। अब आप एक बारबेक्यू वाली स्टिक लें, इस पर आप कोई भी चिकन फिश व्हाटएवर आप जो भी चाहें, ठीक है, इसको आप पुट कर सकते हैं। इसको ईजीली आप पहले ये डिस्टेंस देख लें कि आपका डिस्टेंस इट इज़ ओके, यानी आपको ये रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इस हुक को अब यहाँ पर लॉक कर दें, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है आपके लिए, ठीक है, आप इसको यहाँ पे, बड़ा इजी है मेक करना। अब ये देखें जी, ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस बन गया है। अब आप यहाँ पर कोई भी गोश्त वगैरह कुछ भी लगा लें, ठीक है, और ये अब ट्रेस हिल नहीं रही। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी चीज़ को फिल करेंगी और यहाँ पे ऐसे इस स्टिक को आप लॉक कर देंगी। अक्सर डेमोज़ में लोगों को ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। देखिए मैं यहाँ पे करूँगा, क्लिक की आवाज़ आएगी, ये देखें अब ये लॉक हो चुका है, अब ये पूरा वज़न उठा सकता है। इसी तरह ये दो स्टिक्स हो रहे हैं, ये भी इसके अंदर लग जाती हैं। अब इसको लगाने का तरीका सिंपल, इसकी टू साइड्स हैं, आप देखें एक ये साइड है और एक ये साइड, ये साइड राउंड है, ये साइड राउंड नहीं है, जो साइड राउंड नहीं है वो आपने इस साइड पर रखना है और जो राउंड है ये रोटेट करेगी। ये देखें, नीचे करें, ये देखिए जी, राउंड साइड को मैं इस सुराख के अंदर डाल रहा हूँ, ये देखिए सुराख में डल गया, ये देखिए नज़र आ रहा है कुछ, ये डल गया और ये यहाँ पर जब मैं रखूँगा तो नाउ माई रोस्टरी फंक्शन इज़ रेडी। रोस्टरी फंक्शन, ये मैंने आपको वो डेमो बता दिया है कि जो बहुत कम लोग बताते हैं। अब आप ये वाले फंक्शन पे, जहाँ पे दोनों लाइनें हैं और दरमियान में एरो बना हुआ है, आप एरो से अपना बारबेक्यू कर सकते हैं। ये घूमते हुए पकेगा जैसे बिल्कुल मार्केट में पकता है। अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो मैं आपको थोड़ा सा ये रोटेट करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे रोटेट होगा। ये देखिए जी, मैंने नीचे करें, ये देखें मैंने इसको रोस्टरी की तरफ किया है जी और साथ टाइमर दे दिए। नहीं जी, आप देख लें कि अंदर चीज़ रोटेट होके पक रही है, ये देख लें, ये बिल्कुल उसी तरह ही फंक्शन पकेगा जैसे आप बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चीज़ को रोस्ट होते पकते देखते हैं। देख ले आप कि ये लाइवली, मैं थोड़ा ढक्कन खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये घूम रहा है। इसी तरह मैंने एक स्टिक लगाई है, दो स्टिक्स और भी लग जाएंगी और आप इससे ज़्यादा मटेरियल भी बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन ले जी, मैंने आपको वन फंक्शन बता दिया था, ठीक है जी, अब मैं इसको अनलॉक करने का तरीका आपको बता देता हूँ। पहले मैंने इसको आपको सेट करने का तरीका बता दिया, अब हाउ टू अनलॉक दिस, आप सिंपल अपनी जो भी ये पुट की हुई प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो भी गोश्त बटन कुछ भी होगा उसको आप यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा ज़ोर लगा के क्लिक करें। ग्लव्स यूज़ करें, ज़रूर ग्लव्स लाजमी यूज़ कीजिएगा, ठीक है जी। ये आप थोड़ा सा ऐसे इसे पुश करें, ये स्टिक ऊपर आ जाती है और ऐसे आप कोई भी अपना मीट वगैरह निकाल सकते हो। अनलॉक करने का तरीका एक तो ये है, सेकेंड ये स्क्रू दोबारा आप अनलॉक करें, लाइट सर है उनको अनलॉक करें। रिमाइंडर, ऑलवेज़ यूज़ ग्लव्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हॉट होंगी जब बाहर निकलेंगी। मैं नहीं यूज़ कर रहा लेकिन मैं डेमो दे रहा हूँ, आप कुकिंग करते वक्त आपने ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है जी। ये आपका साइड पे आ गया,
और ये आपका साइड पे आ गया। अब ये था आपका टिक्कों का फंक्शन, ठीक है। अब समटाइम आपका जहन होगा कि मैं चरगा भी बनाऊं। चरगे के लिए सिंपल ये दो रॉड दिए हुए हैं, आपने चरगा चरगे के इस रॉड को चरगे से निकाल लेना है। जैसे आप ये पिक्चर में देखें कि ये रॉड है जो चरगे के अंदर से निकला हुआ है, ठीक है, यही वाला वो रॉड है। अब करना क्या है कि आपने ये स्क्रू को इस साइड, ये देखें, इसको इस साइड पे आपने लेना है, ठीक है। ये चरगे के अंदर आपने इसको दंसा देना है, यानी आपने पंच कर देना है चरगे के अंदर। और ये आपका एक स्क्रू है, ठीक है। ये आप डिसाइड करेंगे खुद से कि आपके चरगे का साइज़ क्या है। स्क्रू को आप रोटेट करते जाएं, घुमाते जाएं, जहाँ टाइट हो जाए ये रुकेगा नहीं। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये दोनों चीज़ें, ये नोक्स अपनी एक दूसरे की तरफ हों, ऐसे नहीं लगाना, ये रॉन्ग पैटर्न है। इसको भी ऐसे ही लगाना है। देखिए सेंटर में आपका चिकन है, तो आपने इस वाली को भी इसके अंदर धसा देना है ताकि आपका चिकन अच्छी तरह ग्रिपिंग में आ जाए, ताकि जब वो रोटेट हो तो वो गिरे नहीं और ना ही आपके ओवन को कोई नुकसान पहुंचे। इसी तरह स्क्रू लगाएं और टाइट कर दें। अब द सेम फंक्शन, वही चीज़ को रिमाइंड करें कि ये गोल वाली चीज़ और ये गोल नहीं है, ठीक है। जो गोल वाली चीज़ है वो आपका रोटेटरी फंक्शन है। अब आप सिंपल इसी तरह इसको चरगा समझें, यहाँ पे दरमियान में लगा हुआ है या कोई गोटी है जो भी आपने लगाया हुआ है, इसको आप दोबारा से इधर लगाएं, ठीक है, और इसको आप फिर ऐसे सेट कर दें। अब आपको इसके लिए भी मैं घुमा के दिखा देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ ये रोस्टरी फंक्शन पे, नीचे का और ओनली रॉड ये मैंने ऑन कर दिया है। अब जो ही मैं इसका टाइमर ऑन करूँगा आप देखिएगा बिल्कुल ये घूमता हुआ चिकन को या किसी भी चीज़ को ये रोस्ट करेगा। ये आप चेक कर लें, ये बड़े बड़े होटल्स में आप इसी तरह की रोस्टरी खाते हैं जिसका बहुत सारा बिल आप अदा करते हैं। ये आप देख लें अंदर से रोटेट हो रहा है, देख लें जी ये घूम रहा है और ये इसी तरह पकेगा। और ये ऑयल फ्री होता है, ऑयल आप अपनी मर्जी से थोड़ा सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका तीसरा फंक्शन मैंने आपको बता दिया जी। अच्छा जी, अब मैं इसके एक यूनिक फंक्शन की तरफ आ रहा हूँ जो कम ओवंस के अंदर होता है। ये जो पहले की दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये सभी ओवन में होती हैं, ऑलमोस्ट सभी बेकिंग ओवन्स में, लेकिन ये जो तीसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको ये है फ़िश ग्रिलिंग किट। जैसे सर्दियों में जी, सर्दियों में जैसे हम लोग फ़िश ग्रिलिंग किट खाना, फ़िश ग्रिलिंग बहुत पसंद करते हैं, तो ये एक स्पेशल इस ओवन के अंदर फ़िश ग्रिलिंग या बोनलेस प्रोडक्ट्स के लिए जो है ना ये किट दी हुई है। बड़ा इसका सिंपल है, इसमें भी आप देखें कि वो साइड गोल है और एक साइड ऐसे है। सिंपल आप अपनी प्रोडक्ट जो भी पुट करनी है उसको अंदर की तरफ आप ऐसे थोड़ा पुश करें, दबाएं दोनों को, ये देखें ये आपका ये बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट रखेंगी, फ़िश रख लें, कुछ भी रख लें, ठीक है, और जो भी आप रखेंगे ऊपर इस तरह इसको पंच करके आप लॉक कर देंगे, ठीक है जी। लॉक होने पर ये गिरता नहीं है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये गिरता नहीं है, ये होल्ड कर लेता है प्रोडक्ट को। इसी तरह आप इसको लगाएँ और सेम वही फंक्शन कि ये साइड गोलाई वाली आपने रोस्टी की तरफ रखनी है और लेफ़्ट फॉर होल्डिंग, ठीक है। इसी तरह आप इसको अंदर करें और ये साइड आपकी रोस्टी के लिए सेटल हो गई और इसको आप फर्स्ट को ये सेटल कर दें, ठीक है जी। इसी तरह जो भी मीट आपने पकाना हो, फिश 150 से 200 के दरमियान रहें, उसमें चीज़ अच्छी कुक होती है, ठीक है। दोनों साइड के रॉड चलाएँ और रोस्टी का फंक्शन चलाएँ। आप कोई भी टाइम देंगे आप देखें कितनी खूबसूरती से आपकी ग्रिलिंग फ़िश जो है ना जी लाइव बन रही है। मैं थोड़ा सा आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मार्केट में जाके बहुत महंगे होटल्स के अंदर आप चीज़ खाते हैं, तो आप अपने घर में सेहत के साथ अपनी चीज़ों को पकाएं और खाएं और इस तरह की यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं आप वो मार्केट से ख़रीदें। अच्छा जी, अब मैं आपको इस ओवन का लास्ट लीस्ट वर्क थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको जी हम मेरे पास ग्लव्स। अब मैं आपको इसका लास्ट लीस्ट फंक्शन बताने लगा हूँ जो मुझे, मैंने इसलिए लास्ट पे रखा था ताकि आपको हैंडलिंग का पता चल सके। अच्छा, ये इसकी ग्रिलिंग किट है जिसको आप अंदर ऐसे लगाएंगी, ठीक है। अब इसके लिए कंपनी ने आपको एक हैंडल दिया हुआ है,
ताकि ये चीज़ जब गर्म हो जब तो आपका हाथ बर्न ना हो। आपको मैंने बार बार इस वीडियो के अंदर एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं डेमो दे रहा हूँ, मैं ग्लव्स नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन जब आप कुकिंग करेंगी या करेंगे तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। ये इसका बहुत ज़रूरी है, ये आप इस तरह पकड़ के ट्रे को बाहर की तरफ खींच सकते हैं इजीली, और इसके बाद ग्लव्स से आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके, फिर से मैं बता देता हूँ, ये एक हैंडल है जिसको आप ऐसे ग्रिपिंग करेंगे और बाहर की तरफ खींच लेंगे ताकि आप इजीली ग्लव्स से पहने हुए पकड़ सकें। अब इसमें एक सेकंड हैंडल भी है, अगर आप इसकी बेसिक ट्रे यूज़ करते हैं तो ये आपकी बेसिक ट्रे है, ठीक है। अब ये जो अंदर जाएगी तो ज़ाहिर है ये भी उतनी गर्म हो जाएगी, इसके लिए आपके साथ ये कंपनी ने एक हैंडल दिया हुआ है। इसको लगाने का तरीका उल्टा नहीं लगाना, ये उल्टा है, ये सीधा है, ठीक है। ये चीज़ ऊपर, आप इसको इस तरह ले जाना है, इसको हैंडल कर लेना है, ठीक है। ग्लव यूज़ करना है, ग्लव के साथ इसको पकड़ना है और आप इसको इस तरह से बाहर निकाल के पकड़ भी सकते हैं। ये देख ले, मैंने हैंडल से ही उठाया हुआ है। ये हैंडल इतना मजबूत है कि अगर इसमें 2 kg 2.5 kg तक मटेरियल हो तो भी ये नहीं ख़राब होगा या नहीं टूटेगा। इसी तरह आप इसको अंदर लगा भी सकते हो, ठीक है जी। ये इसके साथ हैंडल्स भी कंपनी ने दिए हुए हैं। अब मैं आपको इसका वारंटी कार्ड और ब्रोशर साथ दिखा देता हूँ जी। ये इसका वारंटी कार्ड है जी, 2 ईयर की नेशन वाइड वारंटी है इसकी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और ये इसका मॉडल नंबर है WF4200RKF। अगर आपको हमारा डेमो अच्छा लगा हो तो आप इसकी परचेज़ हमारे नीचे दिए हुए लिंक से कर सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी परचेज़ कर लें, ये प्रोडक्ट अच्छी है। और ये इसकी नेशन वाइड सर्विसेज हैं, नेशन वाइड इसकी सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। और ये इसका साथ ऑपरेशनल ऑपरेशन मैनुअल है, इसके अंदर इसकी सारी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल दी हुई है, एक्सेसरीज और बाकी तमाम डिटेल्स दी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर बहुत लीजिए, मैंने आपको ये फुल ओवन की वेस्ट पॉइंट के ओवन की अनबॉक्सिंग कर लीजिए, मैंने आपको ये कंप्लीट अनबॉक्सिंग करके दिखा दी है, ठीक है जी। दोबारा से रिपीट करता हूँ शॉर्ट वर्ड में, वेस्ट पॉइंट का WF4200RKF ओवन है और ये इसकी तमाम एक्सेसरीज, वारंटी कार्ड और ऑपरेशनल मैनुअल है। अगर ये आपको पसंद आए तो आप हमारे यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, न्यू अली इलेक्ट्रॉनिक्स फैसलाबाद। और अगर आपको कहीं और से भी अच्छा लगे तो मैंने डिटेल बता दी, आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में हमारे बारे में ज़रूर लिखें कि हमें और क्या बेटर करना चाहिए। इंशाल्लाह और अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ ज़रूर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह।